नर्मदे हर एक बार फिर मैं बैठा हूँ हमारे इंदौर के जाने माने चेहरे प्रमोद शर्मा जी, जो नर्मदी मांगलिक ट्रस्ट में सचिव का कार्यभार संभाल रहे हैं। और आने वाले चुनाव की हमारी जो नीति चल रही है या हमारे इंटरव्यू का जो चल रहा है कार्यक्रम, उसमें मैं हमारे प्रमोद जी से कुछ जानना चाहता हूँ। समाज कैसी होना चाहिए, महासभा कैसी होनी चाहिए, और महासभा की समाज को लेकर क्या क्या कार्य होने चाहिए। नर्मदे हर प्रमोद जी भाई साहब, नर्मदे यार, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप एक बहुत वरिष्ठ समाज सेवी हैं, बहुत सक्रिय व्यक्तित्व हैं, इतने सारे काम आप अकेले कर डालते हैं जो एक बहुत बड़ी टीम नहीं कर सकती। नर्मदी पारमार्थिक ट्रस्ट द्वारकापुरी के सचिव के पद को आप सुशोभित कर रहे हैं और समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम करते हैं। नर्मदी बेटी विवाह उसमें से एक अपना आयाम है। समाज में चुनाव का दौर शुरू हो गया, इस चुनावी दौर में हर व्यक्ति के या हर व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर आप देखेंगे तो चुनाव की चर्चा है, चाहे महासभा का चुनाव हो चाहे इकाई का चुनाव हो। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि समाज के लिए आखिर कैसी महासभा होनी चाहिए? समाज के लिए उसे जो एक सर्वविदित हो, जो निस्वार्थ हो, जो कि समाज को के उत्थान के लिए जो काम करे, जिसमें एक संगठन समाज को संगठित करने की जैसे शक्ति हो, उसकी ताकत हो, उसके पास पावर हो, और जो शिक्षा स्वास्थ्य में और रोजगार, इसकी तरह इसको जो इसके उत्थान की बात करें, ऐसी महासभा अब समाज में होना चाहिए। पिछले 2 कार्यकाल में सुभाष जी ने, या बोलूं तो पिछले 10 साल में समाज में जो एक परिवर्तन आया है, समाज इसके पहले महासभा को बहुत निकट से नहीं देख पाता था, पिछले कुछ वर्षों में उसने बड़े निकट से देखा है। और जब व्यक्ति निकट से किसी चीज़ को देखता है, किसी से इंटरेक्ट होता है, मिलता जुलता है, तो उसके गुण के साथ उसके दोष भी नज़र आते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि समाज में कुछ और परिवर्तन चाहिए? अगर समाज में परिवर्तन चाहिए तो महासभा अध्यक्ष फिर कैसा हो? वैसे अभी पिछले 2 कार्यकाल में सुभाष जी के नेतृत्व में समाज ने काफ़ी एक परिवर्तन आया है। आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले जो लोग महासभा को जानते नहीं तक थे, तो कम से कम सुभाष जी के नेतृत्व में इतना तो हुआ है कि समाज संगठित हुआ, और इसके साथ ही जन जन तक, गांव गांव तक महासभा क्या चीज़ होती है, क्या कौन सी संस्था होती है समाज की, तो सुभाष जी ने जन जन तक महासभा को पहुंचाने का काम किया है। भाई साहब, महासभा तो ठीक है, पर समाज के किसी व्यक्ति का सबसे पहला इंटरेक्शन होता है उसकी लोकल इकाई से। क्या लोकल इकाई इसमें खरी उतरी है कि उसने समाज के हर घर को समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया है? नहीं, कुछ जगह तो ऐसा देखने सुनने में आता है कि बीते कई वर्षों से पद को सुशोभित कर रहे हैं अध्यक्ष, पर वो समाज के बहुत सारे घरों को जोड़ नहीं पाए, तो ये इसको क्या कहेंगे आप? निश्चित ही समाज सुभाष महोदय जी के नेतृत्व में समाज संगठित हुआ है, और नहीं, उन्होंने सुभाष जी महासभा का एक हिस्सा हो हाँ, गए, तो वही है मगर कि हम इकाइयों उन्होंने की जब चर्चा करते हैं तो वही है कि इकाइयों के विकेंद्रित करके पूरा प्रयास किया है कि इकाइयां भी समाज के प्रत्येक नागरिक तक, आखिरी नागरिक तक पहुंचे, और उसके लिए पूरा प्रयास समझ जो भी नर्मदी ब्राह्मण समाज की अपनी जितनी भी जो भी 32-35 इकाइयां हैं, सब ने पूरा प्रयास किया है। सभी जितने भी इकाई अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है वो समाज को पर संगठित करने के युवाओं लिए। युवाओं के लिए इकाई की सोच क्या है? युवाओं की इकाई की सोच की अब युवाओं को मुख्य धारा में कैसे लाया जा सकता है? और वही है कि भविष्य, समाज का भविष्य अब आज के युवाओं के हाथ में है,
तो अब महासभा से भी युवा जो युवा है अपने समाज में इनको उसमें जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। पर हम इकाई तो छोड़ नहीं पा रहे हैं युवाओं के लिए, इकाइयों में तो कई जगह मठाधीशपन बना बैठा है। नहीं तो जब तक हम युवाओं को वहाँ नहीं लाएंगे इकाइयों में, हम महासभा में कैसे एंट्री देंगे डायरेक्ट? धीरे धीरे परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। हाँ निश्चित। चलिए ऐसी आशा है प्रमोद जी भाई साहब की, और सक्रिय कार्यकर्ता हैं समाज के, तो अवश्य ज़रूर परिवर्तन होगा। आप बेटी विवाह का जो आयोजन करते हैं बहुत शानदार करते हैं, दो शब्द एक बेटी विवाह के आयोजन के लिए भी आप कहें कि उसमें किस प्रकार की बेटियों का विवाह किया जाता है और उसमें समाज से क्या योगदान होते हैं। ये क्या होता है कि हर समाज में कुछ परिवार ऐसे होते हैं कि जो आर्थिक रूप से असमर्थ रहते हैं, और हर पिता की एक कुछ जिम्मेदारियां होती है जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और शादी। अब वो शादी कुछ तो उन पिताओं के जो भी असमर्थ परिवार रहते हैं उसकी एक छोटी सी जवाबदारी बेटी विवाह, उसकी उनके अगर बेटी है तो उसकी शादी करने का अपन ने एक थोड़ी सी जिम्मेदारी उठाने का एक प्रयास किया है, और उसमें अपन इन बेटियों की शादी करते हैं समाज के सहयोग से सभी। अभी तक कितने आयोजन हो चुके हैं? हाँ अभी तक अपन 27 आयोजन कर चुके हैं, और लगभग 16 बेटियों इसमें अपन जो नर्मदी बेटी विवाह है ये शिक्षा, स्वास्थ्य और विवाह तीनों में काम करता है, तो इसमें लगभग अपन 27 बेटियों की शादी कर चुके हैं, और करीब 16 बेटियों की शिक्षा में अपन मदद कर चुके हैं, हेल्प कर चुके हैं, फीस वगैरह उनकी जमा की है अपन ने, और कल लगभग 7 बेटियों को चिकित्सा में अपन सहयोग दे चुके हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद भाई साहब। आप जिस प्रकार से काम करते हैं, ईश्वर समाज के हर युवा को ऐसी ऊर्जा दे ताकि काम व्यवस्थित गति से और समाज के उत्थान के लिए होता रहे। नर्मदे हर। नर्मदे।